वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। ड्रोन हब बनाने की दिशा में भारत का सपना बहुत बड़ा है। इसे लेकर भारत छोटे छोटे लेकिन जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा है। बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारत किस तरीके से ड्रोन हब बनने की तरफ अग्रसर है और कई जरूरी MOUs भी साइन कर रहे हैं। इसे लेकर एक नई ताजा अपडेट निकल कर सामने आई, जिसमें भारत को ड्रोन हब बनाने की दिशा में लगातार भारत सरकार की तरफ से MOUs साइन किए जा रहे हैं। इसे लेकर आगे आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि ड्रोन हब बनाने की दिशा में भारत कितना आगे बढ़ गया है। भारतीय सेना की ओर से सेना के डिजाइन ब्यूरो ने ड्रोन, काउंटर ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए, जो सहायता कर सकते हैं। भारतीय सेना अपने अभियान में लगातार आगे बढ़ रही है, जो निश्चित तौर पर आगे जाकर भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये समझौता ज्ञापन रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के अनुरूप स्वदेशी उपकरण और हथियार प्रणालियों को विकसित करने के लिए उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने में भारतीय सेना की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आर्मी डिजाइन ब्यूरो भारतीय सेना की नोडल एजेंसी है, जो उद्योग, शिक्षा, DRDO और DPSU के साथ अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए सुविधा प्रदान करती है, ताकि उन्हें उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की गहराई के बारे में जानकारी मिल सके। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया नीति में बदलाव लाकर, व्यापार के अवसर पैदा करके, एक मजबूत स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके, प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके, मानकों को विकसित करके और उद्योग अकादमिक सहयोग के साथ अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देकर ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देता है। भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन उद्योग और शिक्षाविदों को भारतीय सेना द्वारा खरीद के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करने में सहायता करने के प्रयासों को बढ़ावा देगा। नए समझौतों के अनुसार दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। ड्रोन और संबंधित घटकों के डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण और निर्माण को सक्षम करने के लिए परीक्षण स्थलों के प्रावधान द्वारा ड्रोन और संबंधित प्रौद्योगिकों के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देगा। उद्योग, शिक्षा और सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ समूह में लक्ष्य आधारित प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम विकसित करेगा। साथ ही उद्योग और सशस्त्र बलों के उपयोगकर्ता समूह के सहयोग से फील्ड ट्रायल के लिए आउटरीच को भी बढ़ावा देगा। कुल मिलाकर ड्रोन सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में भारत ने कुछ तैयारियां कर ली हैं, जिसमें जरूरी फैसले लिए जा चुके हैं, MOU साइन हो चुके हैं। अब कोशिश बस इतनी सी है कि टेक्नोलॉजी के साथ प्लानिंग को फिट बैठाया जाए और इतना फिट बैठाया जाए कि बहुत जल्द भारत ड्रोन हब बन जाए और बहुत जल्द भारत विकसित देशों को भी ड्रोन्स का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।